हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल GSM Vlogs पे। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ और हमें वहां जाके नहाना था क्योंकि मिट्टी काफ़ी हो गई थी शरीर में। तो बस मैंने यहां पे मस्त एकदम नहाया और कम से कम मैंने यहां पे 2 घंटे स्विमिंग करी है आराम से। 2 घंटे तो मस्त एकदम स्विमिंग, ठंडा ठंडा पानी था। सो गाइस, जो लोग आना चाहते हैं मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो आ सकते हैं और आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ सेम लोकेशन पे। तो भैया और वहाँ के जो मैनेजर हैं वो अब जानते हैं अब हमें, तो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोगों को आना है वो आ सकते हैं यहाँ पे, तो मैं लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ प्रियंका भी आ गए थे, बट इसको स्विमिंग नहीं आती तो, बट इसने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर हमने 1 घंटा कम से कम। सो गाइज, ये है एंट्री गेट जहाँ पे आप एंट्री करके अपने रूम्स के अंदर जाते हैं। इसके अंदर कम से कम 20 रूम्स हैं और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सो लिंक चेक करना और बुक कर लेना। सो गाइज, हम रेडी होके निकल चुके थे यहाँ से और हम जाने वाले हैं सबसे फेमस जगह गोवा की, जिसे कहते हैं, वो है साउथ गोवा में, बट मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। तो वो है द केप गोवा। सो इतनी सुंदर जगह है जिसका कोई आइडिया नहीं है। सो जो लोग नहीं गए हैं मैं वो लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इजी रहेगा जाने में। सो गाइस, यहाँ पे आना बनता है, ठीक है, आना ज़रूर। और हम जो जा रहे हैं वहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम गया था क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ पे जाने का मन था, बट हम उस लोकेशन पे गए वापस आ गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो इस बार हम दोपहर में निकल गए। सो जो लोग जाना चाहते हैं द केप गोवा पे, तो आप सुबह नहीं दोपहर में निकलना, मतलब दोपहर 11 बजे के आसपास, ताकि वहाँ पे आप काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और रील्स बना सको। मैं तो अपना मस्त स्कूटी चला रहा था, फोकस मेरा वहीं था, बट प्रियंका वीडियोज़ बनाने में लगी हुई थी, पीछे कुछ ना कुछ करना है। सो गाइज़, ये है लोकेशन, आप लोकेशन चेक करो क्या लोकेशन लग रही है। और मुझे लगा शायद बीच का भी होगा, लेकिन बीच काफ़ी आगे से था, वहाँ भी गए थे। तो ये है इनका यहाँ पे फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए काफ़ी फेमस जगह, आप लोगों को पता होगा था केप गोवा करके, सुना होगा काफ़ी लोगों ने जो लोग गए हैं। और जो लोग नहीं गए हैं तो वो उनका विज़िट यहाँ बनता है। तो ये है यहाँ की एंट्री, यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी होता है। तो मैंने यहाँ पर प्रियंका की काफ़ी सारी वीडियोज़ और रील्स बना रखी हैं, जाके चेकआउट कर लो GSM Vlogs 21 पे भी और प्रियंका वर्मा 05 पे भी। तो ये दोनों हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो नीचे का व्यू और जाने का रास्ता, वो भाई मतलब प्यार ही हो गया साउथ गोवा से। सो यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी भीड़ हो रही थी, और लेकिन जब हम धीरे धीरे नीचे पहुँचे तब मेरी आँखें फटी की फटी रह गई और मैंने देखा जो भीड़ आ रखी है यहाँ पर, बैठने की जगह नहीं थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, जब भी आओ तो रिजर्वेशन करने के बाद आधे घंटे उतना पड़ता है। तो हम तब तक अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना रहे थे, हम अपने क्यू का वेट कर रहे थे। मैंने उनको ऑफ़र भी किया बट वो बोले सर पैसे लेके नहीं होगा, तो मैंने कहा इट्स ओके, हम तब तक वीडियो बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई। सो अभी जो ये जगह देख रहे हो जहाँ प्रियंका अभी चल रही है, ये है नीचे की जहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे, जहाँ पर हमारी सीट अभी बस हम मिलने वाली थी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है और यहाँ बहुत सुंदर लगता है बीच ऊपर से देखने के बाद। सो दिल खुश हो जाता है, शांति की शांति और पानी ही पानी। सो गाइस, ये है नीचे जाने का रास्ता, हमें सीट मिल गई थी, हम वहाँ बैठे हमारा टेबल, लेकिन हमने कॉर्नर साइड टेबल के लिए बोला था, उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, तो मैंने कहा नहीं हम यहीं बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर अपना मस्त अपना खाना पीना इन्जॉय किया। इसके बाद यह लाइव क्रैब वहाँ पर आपको मिलेगा, उन्होंने बना रखा है फ़ोटो के लिए। सो हम यहाँ से निकलने लगे और यहाँ पे बहुत सुंदर मिरर है जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी खींची हैं। सो यहाँ पे आप जाओगे सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़नी पड़ेंगी ऊपर, तो मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी क्योंकि आते वक्त तो कुछ नहीं लगा लेकिन जाते वक्त बहुत दर्द हुए पाँव। तो ये काफ़ी सुंदर है, आप इन्जॉय करते करते बातें करते करते आराम से ऊपर जा सकते हो। तो इस बार का जो गोवा था मेरा वो काफ़ी बढ़िया ट्रिप रहा, और इसके बाद चलना भी बहुत था बट इन्जॉय बहुत किया, पाँव की भी एक्सरसाइज होगी थोड़ी सी। तो इसी के साथ मैंने भी अपनी वीडियो बनाई क्योंकि ये लास्ट में बनाई मैंने, क्योंकि प्रियंका ने पहले बना ली थी। आप देख रहे हो कितने लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो जो बनाई ये बनाई मैंने अपने जब हमने खाना पीना सब खा लिया जो ऊपर आ रहे थे। तो मैंने भी यहाँ का एक फेमस लोकेशन द केप गोवा की
ये स्पॉट मैंने यहाँ पे भी चुना और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, यहाँ प्रियंका की वीडियो भी बनाई हुई है। सो बहुत अच्छी लोकेशन है। सो गाइज आप लोगों को यहाँ पे आना और मैं लिंक डाल रहा हूँ इसका, और आना इन्जॉय करना। तब तक के लिए बाय बाय।